नमस्कार प्रियजनों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सनातन भक्ति मंच में आप सबों का स्वागत है। आज महान संत कबीर दास जी के अनमोल दोहे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कबीर दास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब समाज में चारों ओर अधर्म के अंधेरे छाए हुए थे। उसी समय कबीर दास जी का इस धरती पर अवतरण हुआ। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समाज में एक नई रोशनी प्रदान की। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति के महान संत थे। इनके दोहे उस समय काफी लोकप्रिय हुए और आज भी इनके दोहे को घर घर में गाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को भी दबा दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। संत न छोरे संतई जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तौ शीतलता न तजन। कबीर दास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं वे बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता। जैसे चंदन के पेड़ से न जाने कितने विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन कभी भी अपने गुण को नहीं छोड़ता। आप तजे हरि भजे नखसिक तजे विकार, सब जीव निर्भय रहे साधु मता है सार। कबीर दास जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर भगवान की उपासना करता है, अपने दोषों को त्याग देता है और सभी जीव जंतु के प्रति दया का भाव रखता है, वह व्यक्ति साधु के समान है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चला हम हंसे जग रोए। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो परिवार वाले समाज वाले खुश होते हैं, इसलिए हमें इस दुनिया में अच्छे कर्म करनी चाहिए ताकि जब हमारा मृत्यु समय नज़दीक हो तो हमारे मन में शांति हो और हम खुशी खुशी इस दुनिया को विदा कहें और हमारे लिए इस सारी दुनिया दुख से रोए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी आगे कहते हैं, ईश्वर से इतना ही मांगना चाहिए जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाए, कभी भूखा ना रहे और द्वार पर आए हुए कुटुंब साधु संत अथवा मेहमान भी हमारे दरवाजे पर से कभी भूखा न लौटे। कबीर तन पंसो भया जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसे फल खाए। कबीर दास जी आगे कहते हैं, यह शरीर पंछी के समान है और हमारा मन इसे कहीं भी उड़ा कर ले जा सकता है। मन ही हमें अच्छे बुरे संगति में ले जाता है और इसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं।